अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अरीज हबीब। नाज़रीन, आज मेरे प्रोग्राम में ना तो कोई क्राइम सीन है, ना ही हम लोग कोई लॉकडाउन के हवाले से पब्लिक के व्यूज जानना चाह रहे हैं। इस वक्त आज प्रोग्राम है बिल्कुल न्यू है, और न्यू प्रोग्राम इस तरह से है कि मेरे साथ इस वक्त जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, सोशल वर्कर भी हैं और इसके अलावा बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी हैं सियालकोट की। इनका मैं आपसे इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगी, मजीद इनसे डिस्कशन होगी, लेकिन वो आपकी और मेरी दोनों की फेवरेट प्लेस है, वहां जाके होगी और वहीं पे आपको मजीद उनके व्यूज देंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं अपने हल्का 37 के मियां शाहिद हुसैन साहब। उन्होंने हमारा यानी NAN24 यूनिवर्सिटी की पूरी टीम का बहुत ही अच्छा वेलकम किया है, बहुत ही मतलब मजा आया और ऐसा अपनायतपन महसूस हुआ है कि मतलब एक पीटीआई का कारकुन है, अच्छा खासा नाम है और बहुत अच्छे तरीके से कोई इनके अंदर वो शौकपन नहीं है, बिल्कुल आजिज पर्सन है। तो इन्हें मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम कहूंगी। वेलकम सर, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको वेलकम करते हैं अल्लामा इकबाल के शहर में। आप हमारे मेहमान हैं, तो इंशाल्लाह आज एक दिन आपके साथ ही है, तो आपने शुक्रिया, आपने हमें आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो सियालकोट के वाले से इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि दूसरे शहरों से बहुत डिफरेंट है हमारा सियालकोट। जो आप कह रही थी कि प्यार मिला आपको सियालकोट में, हमने वेलकम किया, ये हमारे बुजुर्गों की और ये हमारी रस्म है कि जो भी हमारे सियालकोट में मेहमान आता है हम इसी तरह उसको वेलकम करते हैं। कोई भी मेहमान अगर सियालकोट में आ जाता है तो हमें दिल से खुशी महसूस होती है। सर, आपसे मजीद बातचीत होगी। नाज़रीन, शायर मशरिक जिन्होंने पाकिस्तान का नजरिया पेश किया था कि पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन होना चाहिए, जिन्होंने ये तसव्वुर पेश किया था अलग वतन का, तो उनके घर जाके सर से बातचीत होगी। और बिल्कुल आज फेस टू फेस का जो मेरे प्रोग्राम का मतलब है, फेस टू फेस, तो आज बिल्कुल फेस टू फेस जो बातचीत होगी बिल्कुल फ्रेंकली होगी, फ्री हैंड होगी, और आपको भी ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। तो मजीद जो फर्दर डिस्कशन है हम लोग शायर मशरिक इल्लामा इकबाल के घर जाके करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं शाहिद हुसैन साहब के घर पे मौजूद हूँ, उनकी रिहाइशगाह पर, जैसा कि उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया, तो इस वक्त मैं उनकी फैमिली के साथ मौजूद हूँ, उनके बच्चों के साथ मौजूद हूँ, तो अभी फिलहाल मैं उनकी वाइफ के साथ मौजूद हूँ। इनसे बात करते हैं कि इनका घर में बिहेवियर कैसा है, आपके साथ कैसे पेश आते हैं, कैसी आपकी लाइफ चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कितनी देर हो गई आपकी शादी? हमारी शादी तो 20 साल हो गया। तो ये रिश्ता आपका कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत लविंग है, केयरिंग है, बहुत ख्याल रखने वाले हैं, बच्चों को भी टाइम देते हैं, हालांकि सियासी उनका अब हाँ जी कर लेते हैं माशाल्लाह से, वो क्या कहते हैं, बब्बर शेर है। हाँ जी, फिर तो बहुत ज़बरदस्त बात है। तो आपके साथ माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह पाक आपको ऐसा ही दोनों को हंसता मुस्कुराता रखे, आपके घर को आबाद रखे। तो इसके अलावा इनकी क्या हॉबीज हैं? ये सफाई पसंद बहुत है, सबसे बड़ी हॉबी तो यही है ना कि घर में घुसना ही, ये करो वो करो, बहुत ज्यादा सफाई पसंद है। और 5 टाइम के नमाजी हैं, जितनी देर मर्जी बाहर आए हैं, लेट आए हैं, आधी नमाज जो छूट गई है वो पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ के फिर सोएंगे, माशाल्लाह से बहुत अच्छे, नेक सीरत इंसान है, मेरे लिए तो बहुत अच्छे। अच्छा, उसके अलावा मतलब अल्लाह पाक ने एक मुकाम दिया है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह आजिज़ी पसंद है, कभी इनके मैंने अभी हम लोगों की भी मुलाकात हुई है, बहुत ही फ्रेंडली टाइप हुई है, मतलब एक अपनायत सी महसूस हुई है, बहुत अच्छे तरीके से गोसिप हो रही है। तो जो आवाम यहाँ के मसाइल लेकर आती है उन्हें भी बिल्कुल अपना समझ के सॉर्ट आउट करते हैं। हाँ जी, उनका काम ऐसे करते हैं जैसे अपने घर के काम करते हैं, और किसी को ये कभी फील नहीं करवाया कि ये कोई बाहर से आया, उससे मिलते ही इतने प्यार से हैं कि वो इनका वो क्या कहते हैं, फैन हो जाता है। अच्छा, आपको इनसे कोई शिकायत नहीं? कोई 20 साल हो गए इनके साथ रहते हुए, तो अभी भी शिकायत होनी है? कोई शिकायत ना, मतलब टाइम तो चलो निकाल लेते हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है कि फैमिली को भी टाइम देना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा कोई एक बात जो इन्हें आपको इनकी अच्छी नहीं लगती हो या कोई ऐसी? गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो गुस्से के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
कहीं का थोड़ा गुस्सा कम करवा दे। बाकी बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं, हमारे हक में बहुत अच्छे हैं, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे हैं, बहन भाइयों के साथ अच्छे हैं, और सबसे सबसे बढ़कर ये है कि ये हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। यही होना चाहिए कि जो एक लाइफ पार्टनर होता है उसको अच्छा होना चाहिए, उसके अलावा केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, कि जो वाइफ है उसको अपने जो मायके की याद है वो तो काफ़ी होती है, लेकिन वो चीज़ें फील ना हो कि मुझे ये घर में पिछले ये सुख नहीं मिला तो यहाँ पे भी ये चीज़ नहीं। तो मेरे मायके तो इधर है कोई नहीं, वो सब कैनेडा होते हैं, भाई अम्मी सभी कैनेडा है, और तो मेरे यही हैं इधर, और हम दो किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, वाकई नहीं होने दी, हर तरह का ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हैं, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह हर किसी को इन जैसा हस्बैंड दे। ज़बरदस्त हो गया जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपके रिश्ते को नजरबद से बचाए, हमेशा आप लोग खुश रहें। अच्छा नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ शाहिद हुसैन साहब के बच्चे मौजूद हैं, वैसे तो चार इनके बच्चे हैं, तीन बेटियाँ हैं एक बेटा है, तो इस वक्त मेरे पास इनके जो दो छोटे बच्चे हैं वो मौजूद हैं, इस वक्त मेरे पास नूर फातिमा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर फातिमा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फाइव में। फाइव में, तो मामा ज़्यादा प्यार करती हैं कि बाबा? बाबा। मामा नहीं करती? करती हैं वो भी, लेकिन ज़्यादा बाबा। तो दोनों में से डांटता कौन है? मामा। पहले बाबा बोलने लगी थी। मामा। मामा डांटती हैं, मामा किस वजह से डांटती हैं? कोई गलत काम करें मीन की कुछ। तो जब गलत काम करते हैं फिर तो समझाना चाहिए ना, तो वो तो इसमें डांटने वाली बुरी बात तो नहीं, कभी मामा का डांटना बुरा लगे? नहीं। अच्छा, और बाबा से क्या कहना चाहोगे आप? मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, और मुझे अपने बाबा अच्छे लगते हैं, और बाबा के साथ आउटिंग पे जाते हैं? जी। पूरी फैमिली? जी पूरी फैमिली। तो बाबा काम करते हैं पॉलिटिक्स में, मतलब पॉलिटिशियन में है, तो आप मुझे ये बताओ कि उनका आपके लिए टाइम निकालना कैसे आपको लगता है? बहुत अच्छा लगता है, वो जब घर आते हैं फिर हमसे प्यार, फिर हमें आउटिंग पर लेके जाते हैं, फिर आइसक्रीम, हर चीज़ बहुत अच्छा लगता है उनका। मामा को कोई मैसेज देना चाहोगी? मामा भी बहुत अच्छी हैं, और बस वो थोड़ा गुस्सा कर लेती हैं, मामा कहती हैं बाबा गुस्सा करते हैं। अच्छा, बड़े होके क्या बनने का प्लान? डॉक्टर। डॉक्टर? डॉक्टर बन के क्या करोगे? डॉक्टर बनके जो गरीब लोग हैं उनका मुफ्त में इलाज करूंगी। अच्छा, पैशन है, ये किसने सिखाया? मामा पापा सबने। मामा पापा सबने सिखाया, चलो बेस्ट ऑफ लक, क्या बोल रहे हो कि डॉक्टर बनो और जो गरीब लोग हैं उनकी मदद कर सको, क्योंकि आजकल के जो डॉक्टर्स हैं वो आपको पता है कि पैसे के बिना बिल्कुल इलाज नहीं करते, तो पैसों के लिए काम करना या खिदमत के लिए? खिदमत के लिए। खिदमत के लिए। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बेस्ट ऑफ लक। जनाजरीन, जैसा कि आपने क्यूट सी बेबी की नूर फातिमा की गॉसिप सुनी, बातचीत सुनी, कि उनके फादर का जो पैशन है लोगों को रिलीफ देने का, उनके मसाइल हल करने का, मामला सॉल्व आउट करने का, तो बहुत अच्छा है। वो भी बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हैं और गरीब आवाम की मदद करना चाहती हैं, जो कि उनके पेरेंट्स से उन्हें ये डिलीवर हुआ है, मदर से पेरेंट्स से। तो इस वक्त मेरे पास अजान मौजूद हैं जो कि इनके बेटे हैं और ये रोते बेटे हैं, इनसे बात करते हैं कि मामा ज़्यादा प्यार करती हैं कि बाबा? ये अस्सलामुअलैकुम। ये मुझसे मामा पापा दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं कोई बात बोलूँ भी ना उससे पहले ये मेरी बात मान लेते हैं, और ये मुझे समझाते हैं कि जैसे कि बाबा मुझे समझाते हैं, जैसे वो उन्होंने लोगों की हिम्मत किया, बेटा आपने भी उस तरह लोगों की हिम्मत करनी है। मेरे बाप ने पूरी सियालकोट की बहुत हिम्मत की है, हर कोई इनको अपना भाई समझता है, इनके साथ हर कोई सलूक से पेश आता है, उनके मेरा बाप जिसके साथ भी अच्छे सलूक से पेश आता है तो वो भी उनके साथ अच्छे सलूक से पेश आते हैं। तो मुझे मेरे बाप की आदत बहुत अच्छी लगती है कि वो बाहर से कोई भी मेहमान आता है तो वो उन्हें मीन्स के वो कोई अपना समझते हैं, बाहर का नहीं समझते, इतना अच्छा इस्तकबाल करते हैं। आपको पता होगा, आप भी यहीं, आपका भी इस्तकबाल किया, आपको अच्छा लगा होगा। तो मुझे अपने बाबा की आदत अच्छी है कि वो समझाते हैं, डांट भी लेते हैं फिर समझाते हैं कि बेटा ये आप में मिस्टेक्स है, आपने ये नहीं करनी, नहीं करता तो वो मुझे सरप्राइज देते हैं, फिर मुझे गिफ्ट करते हैं, फिर हर वीकेंड पे सैटरडे नाइट मुझे लेकर जाते हैं, मुझे चिल कराते हैं और आउटिंग भी लेकर जाते हैं। अच्छा, इतने छोटे हो, इतनी अच्छी अच्छी बातें किसने सिखाई? मैं अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, जिस तरह मेरे बाप ने पूरी जिंदगी किया उस तरह मैं भी करूँगा। दरअसल मेरे बाप के जब वो छोटे थे तब उनके वालिद साहब फौत हो गए थे, तो तब से उन्होंने अपनी लाइफ बनाई थी, तो मैं भी अब अपनी लाइफ बना रहा हूँ, तो मैं अपने बाप की नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। उन्होंने मुझे जो सिखाया है लोगों की हिम्मत करना वो मैं करूँगा, बड़े हो के मैं आर्मी में जाऊँगा और कौम की हिफाजत करूँगा और अपने बाप का नाम रोशन करूँगा। जबरदस्त,
मस्त हो गया, जबरदस्त, बहुत अच्छी अच्छी बातें ये तो अजान करते हैं। अजान इसके अलावा और आपकी क्या क्या हॉबीज हैं? मेरी हॉबी तो अगर मेरे पास फारिग टाइम हो मैं कुरान पढ़ लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं अपने मेरे फादर मुझे टाइम देते हैं फिर मैं उनके साथ प्ले स्टेशन, मेरे पास है मैं अपने डैडी के साथ फिर प्ले स्टेशन प्ले कर लेता हूँ। जबरदस्त हो गया। अच्छा आप कौन सी क्लास? मैं 9th में। तो स्टडी कैसी चल? बहुत अच्छी चल रही। मामा पापा दोनों ही प्यार करते हैं, दोनों में से ज्यादा डांट किसे पड़ती है अगर कोई काम खराब हो? काम खराब हो जब डांटते तो नहीं, अगर डांट भी ले इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, बस समझाने की कोशिश करते हैं। तो मामा पापा को क्या मैसेज देना चाहोगे? तो उनको ये बोलूंगा कि उनका शुक्रिया कि उन्होंने वो मुझे पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, वो मुझे बड़ा इंसान बना रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उनको फिर बड़े आदमी बन के मामा पापा की भी फिर डेफिनेटली सिस्टर्स की भी हिफाजत करनी पड़ेगी, तो बदल तो नहीं जाओगे? नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। यस चलो ठीक हो गया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने फैमिली से हम लोगों ने बातचीत की है, होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा कि छोटे छोटे बच्चों की बातें बहुत अच्छी हैं, कि एक फैमिली इन्वायरमेंट होता है कि जब फादर और मदर अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहते हैं, उन्हें हर चीज़ का गाइड करते हैं, बाहर उन्हें फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती, जब घर में उन्हें टोटली एक फ्रेंकली माहौल मिल जाता है। तो मेरा एक मैसेज होगा उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के साथ फिर डांट टपट के रहते हैं, उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, अपने काम से उन्हें फुर्सत नहीं मिलती, तो काइंडली वो भी अपने बच्चों के साथ इंगेज रहें, उन्हें टाइम दिया करें, ताकि उनके जो बच्चे हैं बाहर फ्रेंड्स बनाने से बेहतर है कि अपने फादर को बना लें, अपनी मदर को बना लें, और फिर उनके साथ इंगेज रहें कि अपने हर जो उनके मसाइल हैं उसको डिस्कस कर सकें। तो शाहिद साहब से तो बात होगी शायर मश्री के घर जाके, तो तब तक के लिए इस प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जाना है शायर मशरिक़ के मुखबरे पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था यानी इस्लामाबाद की रिहायशगाह पर, हम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। तो यहां पर पहुंचकर हम लोग आपको इस्लामाबाद के पूरे घर का विजिट करवाएंगे, उनकी जो टोटली लाइब्रेरी है, उनकी लाइफ कैसे गुजरी इस हवाले से बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले क्योंकि हमें विजिट करवाने के लिए ले गए हैं शाहिद हुसैन साहब, तो इनके साथ चलिए अंदर चलते हैं और फिर बाकी जो फर्दर डिस्कशन है वो अंदर जाकर करते हैं। और मुझे ये तो हमें विजिट करवा
करवाते हैं कि क्या चीज़ें हैं, कैसे इलाहाबाद की लाइफ, दूसरी क्या क्या यहाँ पर स्टोरीज हैं, बुक्स हैं, और क्या क्या जो लोग यहाँ पर आते हैं वो ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड करते हैं। चलिए इन सवाल में क्या साहब ने जिनके साथ हम लोग यहाँ पे एंट्री किया और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया, इनसे इलाहाबाद की लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे उन्होंने वर्क किया, आज हम उनके साथ उनका ये सफ़र कैसा गुजरा, और अभी जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वो ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड करते हैं। जी सर बताइए। ये जो घर है इकबाल मंजिल, इसको आपने देखा कि 110 साल पुराना है और अलहमदुल्ला आज भी वैसे खड़ा हो जैसे आज से 110 साल पहले खड़ा था। मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं की गई? नहीं, इसमें अभी तक कोई अल्ट्रेशन नहीं, कोई चीज नहीं अभी तक, क्योंकि करीबन 34 साल में मैंने नहीं देखा, कुछ पता था अभी तक भाई की है कि उसको दोबारा आज बार फिर उसके बाद हमको आर्मी में उनके सारे सर्विसेज को अड्डा बलोचिस्तान में आप जाके देखिए, बिल्डिंग और ब्रिज के वो एक्सपर्ट थे। तो 1910 में वो रिटायर हुए और रिटायर होकर वो यहाँ आए, उससे पहले भी घर सिर्फ 3 छोटे कमरे और एक दालान है, कुछ बॉक्स से ही करते थे। बॉक्स जो पैदा वो कर दिया 3 कमरे और सेम था। फिर जब वो रिटायर होकर आए फिर उन्होंने क्या किया, ना तो इन कमरों का फर्शों को तोड़ा है, ना इसकी दीवारों को थोड़ा सा छत उन्होंने रिप्लेस किए और उसके ऊपर ही पूरी बिल्डिंग को खड़ा कर जहाँ आप खड़ी है ये उन्होंने खरीदा, और खरीदने के बाद इसको बना के 2 साल इसमें लगाए बनाने में, तो असल घर के साथ जाने लगा। जबरदस्त हो गया। तो आपने जितनी इलाहाबाद की बुक स्टडी की है उसमें मतलब कैसे पता चलता है कि उन्हें शायरी का शौक कैसे पैदा हुआ, क्योंकि बाद ये भी हम लोगों ने रीड किया हुआ है ना कि वो तो वहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए तो वो तो कहते हैं तो सुनाओ डॉक्टर साहब ने इंग्लिश में सारी स्पीच कर, और वो लोग नाराज हो गए, तो फिर डॉक्टर साहब ने थोड़े से एक या दो शायर पढ़ के पुराने पाक की आयत पढ़ कर सुनाई कि जो मैं कहना चाहता हूँ उसको आप फालतू समझ ही नहीं रहे। तो डॉक्टर साहब तो खुद कहते हैं मैं शायर नहीं हूँ, वो तो बहुत बड़े मुझसे ये कह रहे हैं आप तो हमारी तरबियत करने वाले हैं, जिससे हमने सीखा ही कुछ नहीं, ना गायब से हमने सीखा ना इकबाल से सीखा। मुझे बता दें इकबाल की कितनी करप्शन है, वो बैंक अकाउंट है वो सारे करंट है, एक ही थी वो क्लियरेंस नहीं है। तो जब ये नाराज होकर गए तो डॉक्टर साहब को पता चल गया कि यार ये तो पता इधर से चला गया, फिर इन्होंने उनको खत लिखना शुरू किया जो कि अब पब्लिश हो चुकी है, वो टोटल 13 खत और एक मुलाकात है, और उसमें जो डर किया डॉक्टर साहब ने वो यही किया कि आप मेरे से ज़्यादा अंग्रेजों को समझती थी, क्योंकि डॉक्टर जब कायद है लेकर दिन से बारह ला कर दिया, तो फिर कायद क्या करते थे पारी को बारते थे जो शेक्सपियर के प्लेस थे उसमें रोल प्ले करते थे वहाँ पर लगन में, और उसकी वजह से डॉक्टर साहब का जो स्टाइल है वो अपना कायद का बोलने का स्टाइल वो अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा है। और टाइम की पाबंदी कितनी करते हैं कोई भी नहीं कर सकते, जो कायद की बेसिक डिमांड को कहते थे कि टाइम की जब कदर आप करेंगे ना, अगर कोई एग्जाम्पल है तो स्टेट बैंक की आप ओपनिंग देते हैं, जिसमें उन्होंने गए टाइम से जो लोग नहीं आए उनका कुर्सियाँ उठा दो, जब बैग पर देखा तो लड़ कर निकाल सब भी खड़े थे, कहते ठीक है खड़े रहो लेट आए हो
तो लेकिन इसके अगर अपोजिट आप देखें तो शायद इस्लामिक इकबाल इस चीज़ को मानते हैं तो नहीं दरवेशों के दर खुले रहते हैं और थोड़ी होते हैं जब आप चाहे मुझे मिल सकते हैं सिर्फ एक होता है कायदा जो मिल सकता है लेकिन इकबाल हाथ से मिलता है वो जो डॉक्टर इकबाल ये नहीं देखते कि ये अमीर है गरीब होता है जो आया उससे मिलता है मुझे आप ये बताएं आपको सियासत का शौक पैदा हुआ? देखिए मैं सियासत में जब से खान साहब ने सियासत में कदम उठाया नक्शे कदम पर चले और ये जो बुक्स हैं इस पर अमल आज से शुरू कर दें खुदा की कसम हमारा पाकिस्तान दुनिया में सबसे मुनफरद पाकिस्तान। प्रॉब्लम ये आ रही है इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं कि हम अल्लामा इकबाल के नजरिए पर आ जाए कायदे आजम की नजरिए पर जिस नाम पर हमने पाकिस्तान लिया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हम उस पर आ जाए उनकी बातें जो उन्होंने फरमाई थी क्या जहन था जब पाकिस्तान लेना था हमने इसको सच्चा पाकिस्तान बनाना था पाक साफ पाकिस्तान बनाना था लेकिन जो हमारे सबका हुक्मरानों हैं गुजरे करप्शन इन्होंने उस पाकिस्तान को खोखला कर दिया इन्होंने पाकिस्तान क्या बनाया बनाना लूटो फूटो और भागो और लंदन में जाके अपनी प्रॉपर्टियां खरीदी ये मुजरम है पाकिस्तान के इनको चौकों के अंदर उल्टा लटका देना चाहिए। एक वाहिद लीडर इमरान खान है कायदे अल्लामा इकबाल के घर के अंदर खड़ा होकर कहता हूँ कि ये वो लीडर है जो इस वक्त अल्लामा इकबाल कायदे आजम को नजरिए को आगे लेके जा रहा है मदीना की रियासत के बाद अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे दुनिया में तब्दीली लाए इसी तरह इमरान खान चेंजिंग करना चाहता है इस मुल्क को ठीक करना चाहता है लेकिन जो शाह साहब फरमा रहे हम इस चीज पर अमल नहीं कर रहे। जिस दिन हमने कायदे आजम के नजरिए को पकड़ लिया हम दुनिया में कामयाब कौम बन जाएंगे। देखिए मैं वाहिद बंदा हूँ कि अपनी फैमिली में मैं सियासत कर रहा हूँ और मैं इसलिए कर रहा हूँ सियासत कि ये सियासत भी इबादत है सियासत अल्लामा इकबाल ने भी की कायदे आजम ने भी की सियासत एक इबादत है लोगों की खिदमत करने से आपको दिल को सुकून मिलता है और वही लोगों का नाम जिंदा रहा है जो लोगों की खिदमत करते हैं तो दुनिया में बहुत सारे लोग आए और चले गए। देखिए आज भी हम कायदे आजम के घर ये मेरे भाई खड़े हैं मेरा बड़ा इनसे पुराना तल्लुक है मेरे जो साहब हैं शाह साहब लेकिन ये डहरी देखिए कितनी दुनिया इनको विजिट करने के लिए आ रही है इनको याद रखती है हमें भी इनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए और जब हम इनके नक्शे कदम पर चलेंगे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान है दुनिया में नंबर वन पाकिस्तान होगा। लेकिन अफसोस लेकिन मैं इंशाल्लाह ना उम्मीद नहीं हूँ मेरा लीडर इमरान खान कायदे आजम अल्लामा इकबाल के नजरिए के साथ है हम इंशाल्लाह सारी आपके मीडिया के चैनल भी सुनते हैं हमें अल्लामा इकबाल के शायरों पर उनकी बुक्स पर उनकी जिंदगी पर गौर करना चाहिए कुरान के तर्जमे के उन्होंने शेर बोले हैं खुदी को कर बुलंद इतना के हद तक तीर से पहले बात यह है कि अगर ये चीजें हम नो इसी शेर को ही हम देख लें कि खुदी को कर बुलंद इतना इसमें ये है कि अपने आप को तुम इतना कर दो कि खुद अल्लाह ताला के शेरों की क्या बात है कि कहीं पे इन्होंने खुदी को इतना बुलंद कर दिया और ठीक खुदी को आगे बिल्कुल एक एक हद तक नीचे ले आया है कि इंसान को अपने आप में तकब्बुर रखना ही नहीं चाहिए। एक दूसरी बात उन्होंने यहाँ पर ये की है कि खुदी को इतना बुलंद कर लेना चाहिए कि खुदा खुद बंदे से पूछना शुरू कर दे कि तेरी रजा क्या है क्या आ जाता है। तो इनकी ये पोएट्री वाहिद पोएट्री है जो आज तक लोगों के दिलों पे राज करती है यही पोएट्री है जिसके जरिए मुसलमानों में बलबला पैदा हुआ।
अच्छा बाकी जो हमारी पार्टीज भी आई हैं, तुमने की आई है, उसके अलावा बीपी की आई है, तो आप मतलब उन लोगों को ना ज्वाइन करने की आप यही वजह थी कि वो प्राउड थे? हाँ सर बिल्कुल मैम जी बिल्कुल, देखिए सुधारी है ना, ये क्या है, ये कौन से हुआ है, 10% पूरे दुनिया इसको जानती है, ये 10% नवाज शरीफ है, देखिए कौन से झूठ बोल के लंदन में बैठा हो, अगर तुम मुहब्बे वतन हो आओ पाकिस्तान आओ, इधर अपना इलाज कराओ, और ये लोगों ने हमारे मुल्क को बहुत डैमेज किया है, बाहर से हमें कम नुकसान हुआ है, इन लोगों ने ज्यादा नुकसान किया है। अच्छा आपने अपने ये जो सियासत कह लिया, यहाँ के लोग आपको बहुत ज्यादा मानते हैं, आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इस प्यार की वजह क्या है, और उसके अलावा आपने अपनी आवाम के लिए, अपने हल्के के लोगों के लिए क्या क्या मसालों को सॉर्ट आउट किया है, क्या वो कैसे आप मैम? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मेरे पास कोई भी आदमी आ गया ना, मैंने गुलामी पकड़ के नहीं, एक लोग मुझे याद आ गया, वो जो कह रहे हैं मेरे घर के दरवाजे, मेरे दफ्तर के दरवाजे 24 घंटे हंसते आम के लिए खुले हैं, जब किसी को तकलीफ होती है, मुझे लगता है मेरे भाई को तकलीफ हुई, मैं अपना सारा कुछ छोड़ के उसके पास चले जाता, अगर मेरे पास आ गया, अगर डीसी ऑफिस में तो काम है तो मैं उसके साथ डीसी ऑफिस में चला गया, वो डीपीओ ऑफिस में काम है मैं उधर चला गया हूँ। मैं ये भी खुशकिस्मत हूँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं जिस दफ्तर में गया हूँ, डीसी साहब के पास गया हूँ, डीसी साहब ने मेरा पूरी मामला हल कर दिया, अगर मैं डीपीओ साहब के गया हूँ उन्होंने मामला हल, अगर कोई खुदा ना खास्ता मसला आया, मेरी कायद इधर सुमान दास साहब मेरे भाई इधर उनके साथ डिस्कस किया, उन्होंने कहा जी जरूर हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बस ये लोगों का जब दर्द अपना दर्द समझते हैं ना तो वो काम हो जाता है, नेक नीति से करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इमरान खान कुछ अर्सा पहले आए हुए थे, उन्होंने 17 अरब रुपया सियालकोट के लिए दिया है, इनकी सड़कों के लिए, और ये ड्रेन पैक पड़ रहा है, और ग्रीन एंड क्लीन, और इस जो ये इस तरह के, और ये जो हमारे स्मार्ट डार साहब के पास है यूथ के लिए नौकरियां दे रहे हैं, ट्रैक्टर दे रहे हैं ज़राअत के लिए, तो मैं समझता हूँ ये इंशाल्लाह थोड़े अरसे के बाद हम 50 लाख घर का भी इंशाल्लाह खान साहब इंतजार करेंगे सियालकोट में, 250 हॉस्पिटल बेड का जो है ना बच्चा बच्चा के लिए उसका इंतजार करने के लिए खासा पा रहे, तो इंशाल्लाह आप सियालकोट को एक मॉडल सिटी देखेंगे, और इसके लिए मैं और मेरी टीम भी काम कर रहे हैं। अच्छा शहर साहब मुझे ये बताएं कि आपका बिजनेस क्या है? जी मेरा बिजनेस वाम की खिदमत है, मैं एक्चुअली वेब डेवलपर हूँ, मेरी पास एक जो खान साहब कहते हैं ना कि डेवलपमेंट में 100 बंदों का रिजल्ट स्टार्ट होता है, मैं भी एक छोटी सी मेरी भी फैक्ट्री कह लें या मेरी डेवलपमेंट कह लें कि मेरे घर तैयार होते हैं, तैयार करके तो हम लोगों को सस्ते घर जो है ना फ्राम करते हैं, उसमें जो घर लेता है खुदा की कसम मैंने जिन लोगों को घर बना के या मेरी टीम ने दी है देते हैं, कहते हैं सब आपने दिया था, आज भी 20 साल के बाद ऐसे कहीं ऐसे ही है, तो ये मैं करता रहूंगा, ये भी वाम की खिदमत के लिए है, इसको मैं समझता हूँ कि ये मेरी तरफ से वाम को गिफ्ट है, और मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हर गरीब आदमी अमीर आदमी को मेरी तरफ से मैं उसको ये इतनी जबरदस्त किस्म की सोसाइटी इधर बना दे सियालकोट में कि हर आदमी को उधर पानी गैस मेरे साथ मौजूद है मियां शाहिद हुसैन साहब के बहुत ही प्यारे और पोलाइट पर्सन और फ्रेंड जिनके साथ भाई की तरह है और बाकी बच्चे काम कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि कब उनका बिजनेस हमें साथ मिल रहा है उनके साथ। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आपका किस सिस्टम से तकरीबन आपको पता है कि जैसे कोई बना नहीं है, जहाँ हमने 2018 में हम लोग सियालकोट में फोर्थ गियर साइड किया था फैक्ट्री, तो अब इन शाह उसको जीतते हैं। छोटे मदद समझ के करे, ईमानदारी से करे, तो इंशाल्लाह मदद के हालात बड़ी तेजी से बनेंगे। अब गुड लक की सियासत के अंदर हमें ये जो एक चेहरा अल्लाह ने दिया,
इमरान खान की शक्ल में और उनकी पूरी टीम है, जैसे भी हमारे ये भाई हाजी भाई साहब भी हैं, ये भी उसी पैटर्न पे चलते हुए जैसे रियाज नकवी साहब ने। Thank you.